सो फाइनली मालदीव्स सुनते सुनते वी फाइनली रीच मालदीव्स। तो ये मालदीव्स का सीरीज रहेगा, मैं थोड़ा घूम जाता हूँ, आपको नज़ारे दिख जाएंगे। एंड जैसे ट्रैवलिंग जैसी बोलता है ना कि दुनिया के 1000 किलोमीटर दूर मेरे इकलौते बीवी और 2 बच्चों के साथ मैं जग घूमिया। स्वागत है आपके मालदीव सीरीज में। तो नेचुरली जिंदगी शुरू हुई थी इससे थोड़ी पहले, जो वाला पार्ट आई एम श्योर स्किप कर दोगे, बट स्किप मत करना। वेयर आई विल, इसके बाद का जो पोर्शन है वेयर वी विल टॉक अबाउट हाउ थोड़ा बहुत पोपट हुआ एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, फिर बाइंग द करेंसी एंड ब्ला ब्ला एंड ऑल दैट। सो देख लो एंड यस, वेलकम टू द एपिसोड, वेलकम टू द व्लॉग एंड कीप कनेक्टेड। मैं जो खुद सबको ज्ञान देता रहता हूँ कि आप ये करना वो करना, एक पोपट हो गया। इनफैक्ट नॉर्मली स्टॉप ओवर फ्लाइट, ये हमारा मालदीव्स का जो फ्लाइट है, दिस विल बी फ्रॉम कलकत्ता टू बैंगलोर, बैंगलोर टू मालदीव्स। हम सुबह रात को 2 बजे आ गए क्योंकि 5:30 का फ्लाइट है यहाँ से बैंगलोर का। कीपिंग इन माइंड के बॉस हमको तो वो इंटरनेशनल वाला 3 घंटे का हिसाब लगा के आना पड़ेगा, एंड पता चल रहा है कि दिस विल टेक अ डोमेस्टिक डिपार्चर, तो शायद और 1.5 घंटे की हमको नींद आ सकती थी। बट चलो कोई नहीं, वेलकम टू द सीरीज एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे। थैंक यू एंड जुड़े रहिए हमारे साथ। एक्चुअली हो गए हम लोग बहुत लेट, बोर्डिंग हो गई चालू, थैंकफुली वी गॉट अ ड्रॉप, लेट्स सी। इमिग्रेशन इज डन, वी लैंडेड ऑन टाइम, प्रीटी स्मूथ इमिग्रेशन, ज़्यादा कुछ सवाल भी नहीं किए, बस फॉर हाउ मेनी डेज आर यू देयर, आई मोगा फॉर्म वगैरह कुछ देखने भी नहीं चाहा, ना ही कोई डिटेल मांगना चाहा कि आपकी बुकिंग किधर है एंड ऑल दैट। सो या दैट्स हाउ इट इज। दो हमें प्रॉब्लम है, एक तो है हमको सिम का जुगाड़ करना है, देखते हैं कहाँ मिलता है। सेकेंड, आवर फेरी इज एट 3:00, तो अभी सिर्फ 12 ही बजे, तो 3 घंटा क्या करे देखते हैं। चलो लेट्स सी। सो एज यू कम आउट ऑफ द एयरपोर्ट फ्रॉम हियर, आपको उस तरफ दिखेगा द काउंटर्स, द काउंटर्स ऑफ वेरियस होटल्स। प्लस आपको यहाँ पर, आप अगर देखोगे, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ये देखिए लोग खड़े हैं आपका प्लेकार्ड को लेके। प्लस दीज आर सम ऑफ द होटल्स के काउंटर्स। सो अपना जैसे काउंटर नंबर 20 है। एज यू कम आउट फ्रॉम हियर यू गेट ओरेडो का शॉप, ओरेडो इज द टेलीकॉम शॉप। आपको यहाँ छोटा क्लिप भी चल रहा होगा। सो वी बॉट $35 पैकेज एंड $50 पैकेज, बिकॉज गोज विदाउट सेइंग अपना तो काम होता रहेगा यहाँ पे। छोटा सा एयरपोर्ट है, इट विल रिमाइंड यू ऑफ कोचिन एयरपोर्ट, इफ यू हैव बीन टू कोचिन। चलो आगे चलते हैं। हमारा जो फेरी है वो थोड़ी लेट का है एंड अभी बजे हैं लोकली 12:30, 2:45 तक हमको निकलना है एंड वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू वेट। आप ये दिमाग में रख के चलना कि व्हेनेवर यू कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फेरी का टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट टाइम द फेरी इज कमिंग एंड टेकिंग यू टू द होटल, बिकॉज नीडलेस टू से हम लोग मॉल जो सिटी है, मैले मॉल व्हाटएवर, उसमें लोग नॉर्मली रहता नहीं है। वी गो एंड स्टे इन द आइलैंड्स ओनली एंड इनके बोट्स के टाइमिंग होते हैं, जैसे अपना वाला नेक्स्ट टाइमिंग है 3 बजे, तो 2:45 तक वी विल हैव टू गो एंड कम बैक टू द सेम स्पॉट जिसका मैं इनिशियली दिखा रहा था।
ये बुकिंग काउंटर वगैरह है होटल्स का, सो यू हैव टू गो एंड स्टे देयर एंड या दैट्स हाउ इट इज। टिल लक नज़ारे देखो। सो वन प्रो टिप, क्योंकि आपको वेट करना पड़ेगा, टिपिकली फेरी का टाइम और फ्लाइट का टाइम एग्जैक्टली मैच करना थोड़ा मुश्किल है, तो ये पर्टिकुलर जिसका आउट आस पास का कोई बी रोल चलता होगा, दिस इज़ अ वेरी गुड एसी जॉइंट अवेलेबल जहाँ पे केएफसी पिज़्ज़ा हट फिलहाल बंद है, सो दैट व्हाट यू कैन गेट। वी हैव ऑर्डर्ड सम 8-piece हॉट एंड क्रिस्पी कोक फ्राइज एंड ऑल दैट एंड द कॉस्ट इज अराउंड $24। सो या दैट्स हाउ इट इज। न्यू ग्लोबल कार्ड यूज़ करो, आपको US डॉलर में ही पे कर पाओगे, मार्कअप वार्कअप ज़्यादा होता नहीं है उसमें एंड या दैट्स हाउ इट इज एंड बी ओल देखो। ये बोट के लिए वेट करते करते ये कानी ग्रांड सी व्यू जिसके साथ हम लोग रह रहे हैं उनके पास, इन भाई साहब के साथ थोड़ा टुकुमैमे हो गया, टुकुमैमे नहीं बट देन दिस जेंटलमैन आई लास्ट अस टुकुमैमे 245, वी केम एट 230। सिंह अरे सर हम तो आपको वेट कर रहे थे, बोला भाई क्यों वेट कर रहे थे, 230 भी नहीं हुआ 245 बोले थे, बोले नो आई आस्क्ड यू टू वेट फॉर बर्गर किंग। अब ये हो सकता है कि बर्गर किंग के साथ इन लोगों कुछ फाइनेंशियल सेटिंग चालू है कि दे विल पुश पीपल टू बर्गर किंग एंड गेट सम मनी आउट ऑफ इट एंड वी वेंटेड KFC। एनी वे लेट्स सी, यू वेटिंग फॉर इट सर ऑन 230 नाउ, आई होप द बोट विल स्टार्ट इन हाफ एन आवर, लेट्स सी। क्रम करने के बाद भी हम लोग वेट ही कर रहे हैं, अभी तक आया नहीं। पहले भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, ये माले जो है इट्स वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कैपिटल, आई थिंक 6 square kilometers के आसपास के अंदर ये ख़त्म हो जाता है, क्या आपको मालूम था? अगर था तो ये कमेंट में बताओ। चलो वेट करते हैं। भाई इतना आई कांट से क्या फटा, मतलब मर्द को दर्द नहीं होता होगा लेकिन जकड़ हो जाती है, मतलब झकड़ झकड़ झकड़, ओ भगवान। एनीवे दिस वाज नॉट द मोस्ट प्लेजेंट पार्ट ऑफ द एंटायर ट्रिप, चलो देखते हैं आगे, दिस इज व्हाट इट टुक अस। तो ये है हम लोगों का होटल द नेक्स्ट फ्यू डेज। ये सामने है बिकिनी बीच। तो ये कस्टमरी रूम टूर, इट्स अ क्वाड्रुपल रूम, अच्छे खासे बेड हैं जहाँ पे आप 4 लोग टिका सकते हैं एंड वेल आई कम टू द बेस्ट पार्ट ऑफ द रूम, ये थोड़ा टाइम लगेगा 2 मिनट। सो यू हैव अ सिटिंग एरिया, इग्नोर दिस प्लेस, वी हैव जस्ट चेक्ड इन, यही बेस्ट टाइम होता है कि आप ये कर लो। यू हैव गॉट अ फ्रिज, यू हैव गॉट योर टी कॉफ़ी व्हाटएवर व्हाटएवर, ये सिर्फ 4 बोतल ही देते हैं, सिर्फ 4 बोतल, उसके बाद बाकी यू हैव टू बाई फ्रॉम योर ओन बिकॉज दैट्स नॉट एनफ फॉर ऑल ऑफ अस। एंड दिस इज़ अ ह्यूज बाथरूम, इज अ क्लीनिंग एरिया एंड दिस इज़ अ मिनी क्लॉजेट टाइप्स, तो यू हैव दिस प्लस यू हैव फ्यू हैंगर्स हियर एंड देयर टू कीप योर स्टफ आउट एंड ऑल दैट। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द रूम इज, या नॉट हर, द बेस्ट पार्ट ऑफ द रूम इज दैट कुछ ऐसे नज़ारे हैं, सो दिस इज द मेन बीच विजिबल प्रिटी क्लियरली फ्रॉम हियर। तो आज का रंगारंग कार्यक्रम यही भी ख़त्म करते हैं एंड जुड़े रहिए, कुछ नुकसान नहीं होगा वो गारंटी दे सकता हूँ।
एंड सब्सक्राइब अगर कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा. एंड यस द आइडिया इज वी विल ट्राई एंड फाइंड वेज इन विच यू कैन सेव मनी इफ यू आर कमिंग टू एन एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन लाइक दिस. स्टे सब्सक्राइब. थैंक यू.